दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की पहली खबर में देखिए, आज जारी होगी रेलवे ग्रुप डी की आंसर की। जी हां देखिए, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की आंसर की आज यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे जारी होगी। आंसर की के साथ साथ प्रश्न पत्र और रिस्पांस शीट भी जारी होंगे। वहीं देखिए आंसर की का लिंक सभी आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके बाद 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वह 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रति आपत्ति पर उन्हें 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इस बेस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी किया जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार के 11 जिलों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को मिलेगा 3,500 रुपये। जी हां देखिए बड़ी खबर है, राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में 30% से अधिक की बारिश में कमी और 70% के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। वहीं देखिए राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को भी राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। वहीं देखिए बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7,841 गांव के सभी टोले बसावटी को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब परिवारों के सर्वे का काम जल्दी शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा 60% और अगस्त में 37% कम हुई है। वहीं देखिए सूखाग्रस्त गांव के हर परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार 3,500 रुपये देगी। गांव चिन्हित कर लिए गए हैं, अब इन गांवों का सर्वे कर परिवारों की सूची बनेगी। इसके बाद हर परिवार के खाते में 3,500 का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल है। वहीं आगे देखिए नीतीश सरकार का राज कर्मियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, बिहार कैबिनेट में लिया गया फैसला। जी हां देखिए दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने राज कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दी गई है। राज्य कैबिनेट ने इस 4% की वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इस बढ़े हुए भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से मिलेगा। वहीं देखिए इससे राज्य सरकार का सालाना 863 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली आपूर्ति अब होगी बेहतर, नीतीश कैबिनेट ने दी 3,056 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी देखिए बिहार में बिजली आपूर्ति को बेहतर व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 3,056 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब पूरे बिहार में बिजली आपूर्ति अब और बेहतर होने वाली है। बड़ी खबर में देखिए, पटना जिले में डेंगू ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 406 नए मरीज, 2500 के पार पहुंचा आंकड़ा। जी दोस्तों देखिए पटना जिले में डेंगू प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 दिनों से जिले में हर रोज औसतन 250 से 300 अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 406 नए मरीज मिले हैं। वहीं देखिए सबसे अधिक पीएमसीएच में 145, आईजीआईएमएस में 52, एनएमसीएच में 43, कुल 240 मरीज इन तीनों अस्पताल के द्वारा किए गए जांच में पाए गए हैं। वहीं देखिए इसके अलावा 166 मरीज जिले के पीएससी अनुमंडलीय अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में मिले हैं। वहीं देखिए पटना जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 406 नए मरीज चिन्हित किए गए हैं, अब तक यह रिकॉर्ड मरीज है। वहीं देखिए देहात के मुकाबले शहर में डेंगू का डंक ज्यादा लोगों को लग रहा है। अकेले पटना शहर में 282 लोगों को डेंगू हुआ है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 124 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं देखिए डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना डीएम ने सभी स्कूल कॉलेजों को दिया निर्देश, फुल शर्ट और फुल पैंट में आए बच्चे। जहाँ देखिए बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है, डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे खराब हालत राजधानी पटना का है, जहाँ डेंगू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो वहीं देखिए डेंगू की भयावह स्थिति को देखते हुए पटना डीएम ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेजों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज को निर्देश
निर्देश जारी किया है। डीएम ने सभी बच्चों को फुल शर्ट और फुल पैंट में संस्थान में आने का निर्देश दिया है। वहीं अन्य कई निर्देशों का पालन करने के बाद भी उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूल के पास स्थित नालों में पर्याप्त एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए। छात्र छात्राओं को बताया जाए कि दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। जमे हुए पानी पर मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाए। ऐसे फ्रिज, टूटे बर्तनों, पानी की टंकी आदि की सफाई की जाए और पानी को जमा नहीं रहने दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए, स्वास्थ्य, नगर विकास और आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण के लिए डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। जी देखिए, बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सबसे खराब हालत राजधानी पटना का है, जहाँ डेंगू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। वहीं देखिए, डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए, समीक्षा बैठक में यह बताया गया कि सरकार की ओर से अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देकर डेंगू के रोकथाम, उपचार और नियंत्रण किया जा रहा है। वहीं डेंगू के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा कचरा प्रबंधन, एंटी लार्वा फॉगिंग तथा जाँच कर निरंतर दवाई वितरित की जा रही है। अस्पतालों में जाँच और बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं देखिए, आम नागरिकों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने घरों में और आसपास पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। घरों के कूलर, टैंक, ड्रम, बाल्टी आदि से पानी खाली करें। वहीं पानी एकत्रित होने वाले सभी अनुपयोगी वस्तुएं जैसे टिन के डब्बे, कांच एवं प्लास्टिक के बोतल, नारियल के खोल, पुराने टायर को हटा दें। पानी में लार्वा पाए जाने पर टेमीफोस लार्वा नाशक दवा का पानी की सतह पर छिड़काव करें। बड़ी खबर में देखिए, बिहार उपचुनाव में गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी को हराने के लिए मुकेश सहनी ने चला दाव। जहाँ देखिए, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी बिहार के दो विधानसभा सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसकी घोषणा गुरुवार को पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने की है। वही देखिये, वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि पूर्व में पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया था, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत आरक्षण को बचाए रखने की है। उन्होंने कहा कि देश भर में आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, जिसे लेकर हमारी लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि वीआईपी की प्राथमिकता सत्ता ने संघर्ष की रही है। उन्होंने कहा कि अभी आरक्षण छीनने की जो साजिश की जा रही है, उसकी लड़ाई लड़ना आवश्यक है। इस कारण पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। साथ ही देखिए, उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में वीआईपी उस उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला लिया है जो भाजपा प्रत्याशी को हरा सके। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के इस उपचुनाव में हार तय है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में छठी से आठवीं तक के कक्षा के छात्रों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जी हां देखिए, राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में छठी से आठवीं तक के छात्र छात्राओं को रोजगार परक कौशल एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य स्तर पर तैयारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। वहीं देखिए, अगले सत्र से ऐसे पाठ्यक्रम लागू होंगे जो 3 से 6 माह के होंगे। इसमें पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। यह प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाएगा। वहीं देखिए, मध्य विद्यालय के बच्चों को अगली कक्षाओं में भी तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इसी के मद्देनजर सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, अब राज्य में 129 कोर्स की पढ़ाई के लिए बिहार सरकार देगी लोन, इन कोर्सों को भी किया गया शामिल। जहां देखिए, बिहार सरकार ने राज्य के युवा विद्यार्थियों को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा लोन को लेकर जारी कोर्स में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नए कोर्स के तहत मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बीएड, डीएलएड, एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस में एमबीए और बीबीएम को शामिल किया जाएगा। वहीं वोकेशनल कोर्स में मेडिकल, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, आईटीआई और स्किल संबंधी तमाम विषय शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अब 127 नए कॉलेजों को भी जोड़ा जाएगा। यह कॉलेज वो होंगे जिन्हें नैक, एनबीए और एनआईआरएफएफ रैंकिंग हासिल है। बड़ी खबर में देखिए, अब घर गिरने पर 25,000 व फसल क्षति पर 1,700 प्रति हेक्टेयर अधिक मिलेंगे। जी हां देखिए, बड़ी खबर है, प्रकृति व कृत्रिम आपदा से होने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए दी जाने वाली नकदी सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नए मानदंड तैयार किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश अनुसार अब राज्यों को एसडीआरएफ व एनडीआरएफ में अधिक पैसे मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पक्का घर का नुकसान होने पर 95,100 रुपये मिल रहे थे। 7 साल बाद तय नियम में बदलाव किए गए हैं, अब लोगों को 1,20,000 रुपये मिलेंगे।
करेंगे। वहीं किसानों को फसल नुकसान होने पर 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर के बदले 85 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। इसके अलावा देखिए पशुओं की मौत होने पर भी पशुपालकों को अब अधिक राशि मिलेंगे। साथ ही आपदा से मौत हुई तो निकटतम परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि शरीर का कोई अंग स्थायी तौर पर 40 से 60% के बीच अपंग हो जाए तो पीड़ित को 74,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 60% से अधिक अपंग होने पर पीड़ित को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए 7 दिनों से अधिक अस्पताल में इलाज पर 16,000 तो इससे कम पर 5400 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कपड़ों के लिए 2500 रुपए मिलेंगे। करवंदे के बिहार सरकार दिवाली से पहले 10,000 पदों पर शुरू करेगी बहाली, 1 सप्ताह में जारी होगा विज्ञापन। जी देखिए बिहार सरकार नौकरी देने के अपने एजेंडों पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ने विभिन्न विभागों को अपने यहाँ खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे रखा है। वही देखिए सरकार ने इसके लिए सभी विभागों को खाली पड़े पदों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने का भी निर्देश दे रखा है। उसी आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दीपावली से पहले 10,000 पदों पर बहाली शुरू कर देगा। वहीं आपको बता दें कि संविदा पर होने वाला यह बहाली फरवरी तक पूरी होगी। इसके तहत 8200 पद आमीन के हैं और बाकी पद विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो व लिपिक के हैं। वहीं देखिए 1 साल के शुरू में पूरे बिहार में एक साथ भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर 2024 के खत्म होने तक पूरा कर लेना है, इसीलिए 1 सप्ताह के अंदर पद व रिक्तवार विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। बड़ी खबर में देखिए 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना आवश्यक। जी देखिए बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है, उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराने होंगे। बता दें कि विभाग की ओर से कहा गया कि आधार का उपयोग सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत नवीनतम विवरण के साथ डाटा अपडेट कराना होगा ताकि आधार सत्यापन में असुविधा ना हो। साथ ही कहा गया कि जिन लोगों ने अपने आधार इन 10 सालों के भीतर अपडेट कराए हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देखिए कहा गया कि केंद्र एवं राज्य के करीब 1000 योजनाओं में आधार जरूरी है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी लोगों के आधार का पुनः प्रमाणीकरण होना चाहिए। इस व्यवस्था उसी प्रकार की होगी जैसे बैंकों में समय समय पर KYC अपडेट कराया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यह सुविधा ऑनलाइन एवं आधार नामांकन केंद्र पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन अपडेट के लिए 25 तथा केंद्र पर 50 रुपए शुल्क लगेगा। बड़ी खबर में देखिए नोटबंदी और केंद्र पर RBI को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 नवंबर को बताए किस कानून से 1000 और 500 के नोट बंद किए। जी देखिए बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए थे। वहीं देखिए कोर्ट ने सरकार और RBI को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 26(2) के तहत किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत नहीं करती है। वहीं धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, ना कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और RBI को देना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।